बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने से हाशिए पर चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में भाजपा नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत 4 अगस्त को भागलपुर पहुंचे। इस दौरान वे अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पार्षद हंसल सिंह ने किया। वहीं आज शहर के एक निजी होटल में कार्यकर्ता से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि हम लोगों को विकसित बिहार के साथ साथ विकसित भारत का निर्माण करना है, जिसकी पूरी संभावना है। यहाँ के लोग मेहनतकश हैं और सर्वगुण संपन्न भी। साथ ही यहाँ की भौगोलिक बनावट और मौसम विकसित बिहार बनाने के लिए अनुकूल है। जबकि सभा को संबोधित करते हुए भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 32 के पूर्व पार्षद सह भाजपा नेता प्रसन्नजीत कुमार सिंह उर्फ हंसल सिंह ने अपनी बात रखी और सभी कार्यकर्ताओं को गोलबंद किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए हंसल सिंह ने मुख्य अतिथि आरसीपी सिंह का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। संवाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुन्ना सिद्दीकी, विजय शर्मा, चुन्नू पांडे, डॉक्टर अशोक, पंचम श्रीवास्तव, विपिन सिंह, नासरीन परवीन, पंकज पासवान, महेश प्रसाद, जयकांत सिंह, किरण कुमारी, विपिन सिंह, आशीष कुमार, शैलेश सिंह, राकेश कुमार सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 8 केंद्रीय मंत्री दिए हैं, जिससे बिहार को विकसित बिहार बनाने में मदद मिलेगी और बिहार काफी तीव्र गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आज की बैठक का उद्देश्य है कि आप जानते हैं कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। वही जो हमारे भागलपुर के जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ हम लोग संवाद करके क्या क्या चीज़ें हैं इस क्षेत्र की, क्या क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, उसके बारे में चर्चा किया जाए, जिससे कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो साथी हैं, उनका मनोबल ऊंचा रहे। राजनीति में देखिए, एक बात समझिए कि राजनीति में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क और संवाद चलते रहना चाहिए, जिससे कि आप जो ज़मीन पर हमारे कार्यकर्ता हैं वो जो अपनी बात रखते हैं उनसे आप रूबरू होते हैं और आप अपनी बात उनके साथ रखते हैं तो एक बढ़िया तालमेल बैठता है और आगे जो है कैसे और बेहतर काम किया जाए उसकी संभावना होती है। अब आगे की इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी सर, जो बचा हुआ आज की इस बैठक? देखिए, हम लोग जो हैं आगे हमारे जितने भी बिहार में या हमारे खास करके भागलपुर जितने हमारे विधानसभा के क्षेत्र हैं, सब जगह हम लोग कार्यकर्ताओं से अपना संवाद रखेंगे और हम लोग उनके सुख दुख में खड़ा रहें, इसको हमको लोगों अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त भी करना होगा। क्योंकि कार्यकर्ता ही जो है ना, वो जो है ज़मीन पर रहता है, चाहे वो चुनाव हो चाहे पार्टी का संगठन का काम हो, तो उसमें बढ़ चढ़ करके वही हिस्सा लेता है, उसकी अपेक्षा भी रहती है। जो नेता हैं उनके पास जाएं, उनके साथ संपर्क करें, उनके साथ संवाद करें। संवाद कार्यक्रम में आप मतलब आप जिसके साथ सरकार चला रहे हैं, आपके अगले पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता इसमें नहीं है? देखिए, इसमें पार्टी की बात नहीं है, हम तो बता रहे हैं कि भाई तो हम सबके साथ संवाद करते हैं ना। सिर्फ हम लोग पार्टी लाइन पर चलेंगे तो देखिए बिहार है ना, आज हमारे साथ नहीं है कल वो टूटेगा, ये इसमें इसलिए हमको पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। नहीं, सब तरह हमारे जेडीयू के भी साथी हैं, बीजेपी के भी साथी हैं। बीजेपी के नहीं बैठे हैं क्या? अरे सबका अपना बिजी होंगे, काम होता है ना। आज परम आदरणीय माननीय श्री रामचंद्र बाबू का संवाद प्रोग्राम था, पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। जी। तो अपने कार्यकर्ताओं से लोगों से मिलने के लिए आए थे, हम लोगों ने उनका स्वागत किया और उनकी बताई हुई बातों को हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। बिहार के विकास की बात कर रहे थे और बिहार कैसे आगे बढ़े इसी के बारे में उन्होंने सभी लोगों को बताया। जी। मैं हंसल सिंह, पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 32।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय आज अपने 15वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। बीएयू के स्थापना दिवस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत कई गणमान्य शामिल हुए। समारोह के मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को बताया। वहीं अतिथियों ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया, साथ ही भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री ने नवाचारी रेडियो का लोकार्पण भी किया। समारोह की अध्यक्षता बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डी आर सिंह कर रहे थे। केंद्रीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में जमीनी स्तर पर नवाचार और नव प्रवर्तक विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ। इस मौके पर सांसद अजय मंडल, बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं जिले के सभी विधायक आमंत्रित थे। कार्यक्रम में बीएयू के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर के सुहाने, एमएलसी डॉक्टर एन के यादव, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, विधायक ललन पासवान, ललित नारायण मंडल, जेडीयू और भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। कृषि विश्वविद्यालय सबौर के स्थापना 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ के वीसी साहब को, यहाँ के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को, छात्र और छात्राओं को और राज्य भर नहीं बल्कि देश भर से आए हुए किसानों को बधाई और शुभकामना देने के लिए आया था कि उत्तरोत्तर लगातार कृषि विश्वविद्यालय विकास कर रहा है, नए क्षेत्रों में रिसर्च कर रहा है, नए चीज नई तकनीकी से चीज़ों को निकाल रहे हैं और उत्तम कैसे खेती हो, बीज उत्तम कैसे हो, कम समय वाले बीज कैसे हो, मौसम अनुकूल खेती कैसे हो, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है और इस क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो इनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी इस विश्वविद्यालय को मिला है, तो गर्व है हमें ऐसे विश्वविद्यालय पर, गर्व है यहाँ के वैज्ञानिकों पर, गर्व है यहाँ के वीसी पर, गर्व है यहाँ के छात्र और छात्राओं और यहाँ के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं पर कि जिन्होंने बेहतर काम करके इस विद्यालय का इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है और भी आगे बढ़ाएं, यही शुभकामना देने। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शीतला स्थान चौक के समीप प्राचीन शिव मंदिर प्राथमिक विद्यालय कलबगंज में उत्तर प्रदेश से एक नेत्रहीन महिला अपने दो बच्चों के साथ भटकते हुए पहुंच गई। इसके बाद कलबगंज मोहल्ले के लोगों ने उन्हें सहारा दिया, साथ ही डायल 112 को इसकी सूचना दी। दरअसल महिला को उत्तर प्रदेश के ही देवरिया जिले के भागलपुर गांव जाना था, लेकिन वह किसी तरह भटकते हुए बिहार के भागलपुर जिले में पहुंच गई। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि महिला मंदिर पहुंची और रो रही थी। वहीं मौके पर पहुंची 112 की टीम ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी। रास्ता भटकी महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरा जयनगर निवासी सुदामा साहनी की पत्नी पुष्पा देवी के रूप में हुई है, जो अपने 7 वर्षीय पुत्री और एक 4 वर्षीय पुत्र के साथ भटककर भागलपुर पहुंच गई। वहीं पुष्पा देवी ने बताया कि पति के द्वारा शराब के नशे में उसके साथ मारपीट किया जा रहा था, जिसके कारण वे घर से निकलकर अपने मायके जा रही थी, लेकिन मैं यहां कैसे पहुंच गई पता ही नहीं चला। वहीं डायल 112 के प्रभारी बीके सिंह ने बताया कि भटकी महिला का आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। भटक के पहुंच गया, ठीक है, उसको दिखाई इसको हाथ में दिखाई नहीं देता है, हाथ से अंधा है, इसी तरह यह हवा दरबार में पहुंच गया होगा। हम लोग देखे यहाँ पूरा ही रो रहा था, हम लोग पूछे क्या रो रहा है, बोला मेरा घर ये बहुत दूर है, उसको ट्रेन में भटक के यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। पूरा रोने लगा, बोला भूखे हैं, खाना खिलाए, खाना पीना खिलाए और नहाए के नहला दिए। फिर 112 को फोन किया, 112 आया, 112 दोबारा घर पहुँचाने का जो काम है वो होगा। अभी मैं आई थी महिला, ये आने से तो हो गया है, 1 बज गया, 1 बजे 1:30 बजे आया। क्या कुछ कहा गया 112 से आप लोगों को? 112 बोला मेरे सामने 112 आया, उसके बाद फोन किया, उनके घर वाला ने उसका मोबाइल भी था, वहीं से फोन लगाए, फोन लगाए उसका बहन उठाया, तो वहीं से बात हुआ, तो बहन बोला हम तो वहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो सर आप मेरे घर तक
सुबह पहुँचा दीजिएगा। 112 बोला ठीक है हम सब व्यवस्था कर दे रहे हैं, 9:55 ट्रेन है यहाँ से, जीआरपी वाला भी आएंगे 9 बजे यहाँ से लेकर जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सोनू झा। क्या करते हैं आप? हम यहाँ पुजारी हूँ। पंडित ये लेडीज यूपी गोरखपुर क्या नाम है खगरा नहीं देवरिया घाट पार की रहने वाली है, और गलती से ये भागलपुर चली आई है, तो इसको डायल 112 के माध्यम से इसको घर पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। थैंक यू। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन की तीसरे सोमवारी पर सुबह से ही उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाने वालों की भीड़ देखी गई। बता दें कि बिहार, झारखंड, नेपाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के शिव भक्त उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर पूजा पाठ के लिए बाबा भोलेनाथ के दर्शन को जाते हैं। वहीं स्थानीय पंडित ने कहा कि लाखों कांवरिये एवं शिव भक्त प्रत्येक साल यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। कैसा व्यवस्था है यहां पे? जी बहुत बहुत अच्छा, यहां का अच्छा है। बहुत अच्छा, यहां का प्रशासन भी बहुत अच्छे है, बहुत हेल्प कर रहे हैं उधर नहाने वाने में। सावन का तीसरा सोमवारी है, क्या मांगे बाबा भोलेनाथ से इस बार? धन दौलत कैसा उत्साह है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर में जो भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उसको लाइन वाइज हम लोग लगवा करके महिला लोग को अलग और जेंट्स लोग को अलग करवा रहे हैं। एक बार महिला लोग को एंट्री करवा रहे हैं, अगला बार जेंट्स लोग को करवा रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारा महिला लोग को भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया है ड्यूटी के लिए, और बहुत लोग अभी आ रहे हैं जा रहे हैं। नाम बता दें, नाम अपना बता दें। संगम कुमारी, सुल्तानगंज थाना सब इंस्पेक्टर। बहुत अति उत्तम उत्सव है आज का, जो मेला है सराहनीय है। सुबह से ही भीड़ है? 12 बजे रात से ही भीड़ है। कितने की संख्या में आज बाबा धाम में? इसकी कोई गिनती नहीं है, लाखों, 1 लाख का निकल चुका है, अभी आ ही रहा है। क्या महत्व है बाबा आज का जो सोमवारी, तीसरी सोमवारी जो है त्रिदेव की कहानी है, भोलेनाथ की है, इसलिए तीनों लोग का मालिक है। बाबा को जलार्पण करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है? ये मनोकामना शिवलिंग ही है ही है। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के द्वारा भागलपुर के समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें जिले के सभी होमगार्ड जवान शामिल हुए। धरना पर बैठे लोगों ने समान काम के बदले समान वेतन दिए जाने की मांग की। बिहार रक्षा वाहिनी संघ के जिला सचिव विभाग कुमार झा ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे के और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के फैसला है कि समान काम का समान सुविधा देने का, लेकिन आज सरकार हम लोगों को उस फैसले को पालन करने में लापरवाही कर रही है, जिसके बाद मजबूरन संघ को बाध्य होकर हम लोग आज आंदोलन पर उतरे हुए हैं। हम लोगों का भत्ता 2017 में बढ़ाया गया, 17 से अभी तक में 8 वर्षों के बीच में सभी विभाग के सभी कर्मचारियों का भत्ता दोगुनी, अनेक प्रकार के सुविधा दिया गया, लेकिन हम गृह रक्षकों का 8 वर्षों से अभी तक किसी भी प्रकार का मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। सरकार के कुछ पदाधिकारियों द्वारा हमारी जायज मांग को संविधान के नियम कानून को दिग्भ्रमित करते हुए भैरम फैलाकर आज हम पीड़ित शोषित गिरक्षकों को आंदोलन के लिए मजबूर होकर आज धरनों पर बैठे। आप लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? हम लोगों का मांग जब पूरा नहीं होगा तो हम लोग 31/8/2024 को पूरे बिहार के केंद्रीय समिति में बैठक है, उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। उस बैठक में पहले से भी हम लोगों को आभास है कि वहाँ से हम लोग गुरिल्ला युद्ध शुरू करेंगे, और वो जब तक हम लोगों की हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक वो आंदोलन जारी रहेगा। अपना नाम बताइए। मेरा भागलपुर जिला सचिव विभास कुमार।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नए जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार के वैशाली में कांवर यात्रा के दौरान DJ वाहन हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे 8 कांवरियों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से ज्यादा घायल है। घटना वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर गांव के रहने वाले एक दर्जन से ज्यादा युवक DJ ट्रॉली लेकर सारण के पहलेजा घाट जा रहे थे और गंगा जल लेकर सोनपुर बाबा हरिहरनाथ में जलाभिषेक की योजना थी। इसी दौरान हादसा हो गया। 8 लोगों की मौत की प्रशासनिक पुष्टि हुई है। मृतकों में एक नाबालिग भी शामिल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक DJ ट्रॉली में गाना बजाते हुए सभी कांवरिये उत्साह से सुल्तानपुर गाँव से निकले थे। सड़क पर कुछ ही दूर आगे जाने के बाद DJ ट्रॉली का ऊपरी हिस्सा सड़क किनारे के एक 11,000 वोल्ट के बिजली तार में सट गया, जिसके बाद 8 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एक अन्य की मौत इलाज के दौरान हो गई। हालांकि प्रशासन ने अभी 8 लोगों की मौत की ही पुष्टि की है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि 9-10 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ उस समय ट्रॉली में 4 से 5 लड़के थे, इसी दौरान करंट लग गया। जैसे ही अन्य युवकों को पता चला सभी बचाने के लिए चले गए, जिससे बेसब्री करंट की चपेट में आ गए। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे सदर SDM राम बाबू ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। घटना घटित हुई है। कितने लोग की डेथ हुई? 8 लोग की। झुलसे हुए भी 2 लोग हैं, जो सदर अस्पताल इलाज चल रहा है। 2 लोग हैं। 2 लोग जो मेन आपत्ति है कि 2 कर्मी हैं जिसको कॉल किए थे इन लोगों ने, बड़ो समय से नहीं उठाया। उन कर्मियों की जो हम लोग कार्रवाई करेंगे। और क्या डिमांड है?
और फिलहाल तो यही डिमांड है। क्या स्थिति है सर, फिलहाल क्या चल रहा है? फिलहाल 1.5 बजे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। सर कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या हुआ है? अभी तो जांच के विषय है, बाद में बताएंगे। कहाँ जा रहा था, कुछ तो पता चला होगा? क्या पता चला ये अभी जांच के विषय है, देखते हैं।